आएंगे तो उसके कपड़े उतार के और उसकी हाथ बांध के उसकी बेइज्जती कर रहे होते, सोच रहे आगे पीछे कोई है ही नहीं। हम आए हैं सारा गक्षीड़ा गाँव, सुबह पंचायत हुई थी हमारी, इकट्ठे होके आए हैं। जब से आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जब से तन मन धन से यहाँ पे अपना साथ दे रहा था सभी का, अपना छोटी सी घटना हुई हो जाती है, सगे भाइयों में भी झगड़ा हो जाता है। झगड़े को इन्होंने इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया इसको कि आरएसएस का है ये, तो यहाँ पे आंदोलन खराब करने आया है। ये सानू अधिकार नहीं हैगा कि असी किसी नू थप्पड़ मारिए जां चपेट मारिए, ये सानू अधिकार नहीं। असी कानूनी कार्रवाई साडा करना बनता, जे सानू किसे ते शक है तो यार उहदी वेरीफिकेशन करो, और तुहाडे सामने मैं करदा भी नहीं। एस एच ओ नू मैं गल कही कि एस एच ओ साहब, एस एस तरह जो आदमी लड़का जिहड़ा फड़िया गया वह पता लग गया कि वह ठीक परिवार का, मतलब कि लड़का इस तरह नहीं, उहदा कोई कसूर नहीं हैगा, तो उत्ते कोई वेरीफिकेशन करा गया, परिवार नू सद के तो उहनू छड्ड दित्ता जाए। ये सिख धर्म तो प्रभावित हो गए, ये विसाखी के सिंह बनया, पर जो कल घटना हुई जिस तरीके नाल बिना जांचा परख्या इहदा बाणा लवाया गया, ककार लवाए गए, वो निंदण योग है। तो मौके पर साडा ये बंदा सी, इहने भी आज गल जो अज गल उहदे नाल भी असीं क्लीयर की, फोटेज मिलिया बीड़ी पीन तो रौला होया, कोई मुर्गी चोरी की गल नहीं सी, वह भी एक झूठ तैयार किया गया, दूजा झूठ आ तैयार किया गया जी इहने लत्त तोड़ी है, कोई उहदी लत्त नहीं टुटी, कोई फ्रैक्चर नहीं, उन्होंने थोड़ी जी सोजी सी, असी कल शाम नूं सरकारी हॉस्पिटल सोनीपुर जाके उसका पता भी लिया। जाम लगा हुआ था माजदा ट्रक को निकलवाने के लिए, बलवान सिंह ने उसको नवीन को कहा कि माजदा ट्रक थोड़ा आगे करते है, उतने में करते हुए एक रेडी वाला बिहारी मनोज कुमार आया, उसके रेडी में मुर्गे थे, वो बीड़ी पी रहा था, धुम्मा उसकी तरफ मुंह पे चला गया, धुम्मा जाते ही उसने कहा धुम्मा से बंद कर, इतने में कहते उसने गाली देती, उसने गाली देते उसने जो उसके पास से लठ था उसने उसकी टांग पर मार दिया। स्वागत है सब का, तो मैं हाँ सुखा खेड़ीवाला, सिंघू बॉर्डर से खड़े हाँ, तो सिंघू बॉर्डर से जो तस्वीर तुम्हें दिखा रहे हैं एक पिंड की पंचायत आ, समूह पिंड के लोग आए हैं नवीन संधु के हक के दस दिए, नवीन संधु वो आ जो कि हुण पुलिस की हिरासत के आ, क्योंकि कल एक घटना होंगी आ, घटना लैके कुटमार की जाती है उस वालों, तो इल्जाम लगाए जाते हैं, तो इल्जाम होर भी लगते हैं कि जिहड़ा उन्होंने बाणा पाया गया सी उसनू उतारिया गया, जबरी उतारिया गया, उसनू लैके नाराज चल रहे हैं पिंड वाले, इस करके इतने आए हैं, हरियाणे का रहने वाला सी नवीन, तो अज उन्होंने पिता जी भी इतने आए हैं, किस गल नू लैके आए हैं, कि मिले ने कि गल हुई गलबात जान लें जी, क्या नाम है जी जी, तो कदों उन्होंने जो है इस रूप धारिया से उन्होंने जी जी, तो जो पता चलिया थोनों इस घटना बारे किमें लगे जी? उसके बाद में पता लगा आए थे यहाँ पे, मैंने यहाँ सिखों से बात करी, मगर मेरे तो साहब बाबा जी एक ही लड़का था, आपने ये क्या कर दिया, ये बाबा जी ने मैं समझाया कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छा काम किया है इसने। अच्छा फिर मैंने बाबा जी से हाथ जोड़ के ये कहा था, बाबा जी चल आपने इसको बाणा दे दिया तो फिर इसका आदर भी करना साहब, इसका अच्छी तरह रखना इसको। अब आप क्या कह रहे हैं? अब बाबा जी ने भी ये उसके साथ ये ऐसी घटना हुई और बाबा जी ने भी ये बोल दिया और ये तो नकली नहीं है। तो आपको कैसा लगा? तो पता लगे अभी तो समझा, अब गलत मानते हैं बोलना, दिल से था, इधर दिल से सिख स्वरूप में आया था ना जी। चलो तुम भी गाँव के लोग हल्की ना जी, की कहोगे घटना को लेकर? यही है जी, बड़ी निंदनीय घटना है उसका, पहले तो इन्होंने जैसे भाई ने सिख धर्म अपनाया और अपना सिंह भी अपनाई, बैसाखी भी उन्होंने चखा, यहाँ पे सेवा कर रहे, पिछले जब से आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जब से तन मन धन से यहाँ पे अपना साथ दे रहा था सभी का, अपना छोटी सी घटना हुई हो जाती है, सगे भाइयों में भी झगड़ा हो जाता है, झगड़े को इन्होंने इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया इसको कि आरएसएस का है ये, तो यहाँ पे आंदोलन खराब करने आया है, मतलब कि ये बड़ी निंदनीय घटना है। इतनी जल्दी किसी नतीजे पे पहुंचना क्या कहेंगे इसको? ये तो इनकी देखो बड़े हैं, बाबा जी है ये, अपना गुरु, इन्होंने मतलब सोचनी चाहिए थी इनको, भाई अगला कुछ हुआ है, झगड़ा हुआ है तो उसको मान लो बैठ के निमटवाई, ये तो उसके कपड़े उतार के और उसकी हाथ बांध के उसकी बेइज्जती कर रहे होते, सोच रहे आगे पीछे कोई है ही नहीं। हम आए हैं सारा गक्षीड़ा गाँव, सुबह पंचायत हुई थी हमारी, इकट्ठे होके आए हैं, हम अपने बच्चे में कोई कमी हो या वो हो तो हम अपनी
गलती मानते हैं उस चीज़ में, लेकिन उसने गलती नहीं करी, उसके बावजूद उसकी बेइज्जती करने लग रहे थे ये। मतलब जो मार्ग कुट हुई परचा दे के जेल भेज देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो प्रशासन का काम था, जो मान लो कुछ होता उनमें वो तो प्रशासन करता। इन्होंने जो किया है उसके लिए हम यहाँ पे आए, दोनों बाबा जी से मिले जिन्होंने इसके कल यहाँ पे हाथ बांध के इसकी मार पिटाई करवाई, इसके साथ गलत काम किया, उसके लिए हम यहाँ पे आए थे। और बाबा जी ने हमारे को अभी आश्वासन दिया भाई कल उसको जमानत होने के बाद हम लेके आएंगे साथ में, उसका हार से सम्मान पूरा हम साथ में उसको लेके आएंगे। तो अभी दोनों बाबा जी से हम मिले थे, हम तो सीधी एक तरफा बात करने आए थे, या तो मान लो इसको अपनवाना ही था, अपनवाया तो आप इसके साथ खड़े होते जी। तो गांव एकजुट है, गांव एकजुट है जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई दोराई है ही नहीं, सारा गांव आया हुआ है। बिल्कुल, एक हो सकते हैं की ना था दादा। मेरा नाम जगदीप सिंह होर है, करनाल जिले का, जो हरियाणा का अंदोलन है, किसान यूनियन चढ़ौनी वालों मैं लीड करना। ये जड़ी भी घटना हुई है, मेरे गुआढ़ी पिंड का मुंडा हिंदवीर सिंह जी, कल भी ये वीडियो सब तो पहले 12 बजे मेरी आई, जिद मैं क्या भी ये बंदा साडा है, ये कोई नकली सिंह नहीं, कोई नकली निहंग नहीं, तो ये साडा बंदा ना ये RSS एजेंट है, ये समर्पित सिपाही अंदोलन। मैं तो क्लीयर करता कल बाकी चैनलों पर मेरी वीडियो चली है, ये बंदा ये जो पिंड है गक्सीणा साढ़े करनाल जिले का सब तो क्रांतिकारी योधा पिंड है, ये मुंडा सबूत अंदोलन समर्पित से, ये सिख धर्म तो प्रभावित हो के ये विसाखी के सिंह बनया। पर जो कल घटना हुई जिस तरीके नाल बिना जांचा परख्या इहदा बाणा लवाया गया, ककार लवाए गए, वह निंदन योग है, बहुत गलत होया। ना ही उत्थे कोई मुर्गी की गल सी, अज मैं कोर्ट इस साहब नूं मिलिया वा, मैं उन्हूं पुछया BDP तो इन्हां दा रौला होया, दो शख्स का रौला सी, तो मौके पर साडा इह बंदा सी, इहने भी अज गल जो अज गल उहदे नाल भी असीं क्लीयर कीती, कोर्ट च मिलिया BDP तो रौला होया, कोई मुर्गी चोरी की गल नहीं सी, वह भी एक झूठ तैयार किया गया, दूजा झूठा तैयार किया गया जी इन्हें लत्त तोड़ी है, कोई वो लत्त नहीं टुटी, कोई फ्रैक्चर नहीं, उन्होंने थोड़ी जी सोजी सी, असी कल शाम को सरकारी हॉस्पिटल सोनीपत जाके उसका पता भी लिया, पर इस तरीके जिस तरीके अपमान होया ये बहुत ही गलत है। भी कोई साढ़े नाल का बंदा अंदोलन बंदा है, कोई जथेबंदी निहंग सिंह का बंदा है, वो कोई गल होगी वो कोई रोप लग गया, तो वो जिम्मेदारी नहीं लोगे, तो जिम्मेदारी तो भजोगे बिच छड़ के जी ये साडा बंदा नहीं है, ये RSS का एजेंट है, ये साडे किसान आगुआं नूं साडी जिहड़ियां इत्थे जथेबंदियां नंग जथेबंदियां सब नूं सोचना पएगा, साडा जे बंदा है उहदे नाल जे कोई उहदे ते आरोप लगाएगा, राज सिंह जी नाल पूरा पिंड आया होया है, असीं आही गल कीती है भी जिहड़ा उहदा अपमान कीता गया, जो अनादर होया उहदे बाणे दा ते उस सिंह दा, उहदे वास्ते तुसीं हुण कल नूं की करोगे जदों जमानत होके वापस आएगा। असीं इहनां नूं बेनती कीती है भी दुबारा फिर उही लोक इकट्ठे होण ते मीडिया दे सामने उन्होंने फिर माण समाण बाल किया जाए, ये इस पिंड की इस परिवार की साढ़े सिंह की साढ़े पूरे इलाके का एक अनादर होया, तो उस चीज़ करके साढ़े लोगों से बहुत रोस है। बाबा जी ने कोई गल की भी गलत हो, बाबा जी ने माफ़ी मंगी है भी गलत होया, सानू खुद महसूस होया सारा कुछ जल्दबाजी हो गया, पर यह बहुत गलत है, यदा मैसेज बहुत गलत गया, तो इस तरीके किसी का अनादर करना, वो पिछले 10 महीने तो 11 महीने तो इस अंदोलन ने समर्पित है, तो लगातार साडा करनाल जिले के ज़्यादातर जो अंदोलनकारी लोग ने खुद जानते हैं, वो कोई एवं का बंदा नहीं, जो इन्हों आइडेंटी कार्ड आधार कार्ड तो एड्रैस वेख लिया करनाल का, इन्हों का फर्ज बनता से सानू फोन कर दे, असी करनाल तो दस दे भी इस बंदा कौन है, असी बाद वीडियो पा के दसिया, पर वेरीफिकेशन होनी चाहिए सी, आ तरीका गलत है, किसी राह चलते तुम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते भाई ये गद्दार है या देश भगत है जी, असी आई गल कह के कोई भी बंदा इस अंदोलन इस तरीके का फड़िया जाता वो पहले वेरीफिकेशन होए, वह मीडिया ट्रायल ना किया जाए, जेड़े चैनलों ने भी कल खबर चलाई मैं उन्होंने भी कहना उन्होंने भी कहगा भी ये तुहाड़ा बहुत गलत है, तेरा मैसेज गया है, तुसी इस तरीके दी खबरां चलाण तो पहले उहदी वेरीफिकेशन करिया करो ताकि इहदे नाल माहौल खराब ना हो। तुसी पिंड तो आए हो? जी मैं पिंड से आया हूँ, गुरनाम संधू मेरा गाँव नाम है, गाँव गक्सीणा से हूँ, तो मैं तो अपने आगे को एक ही बात करना चाहता हूँ, जो भी करनाल का पिंड है पूरे धरने सतल को पता है कि संधु गोत्र गांव गक्सीणा जिला करनाल के ये पहले दिन से आंदोलन से जुड़े हुए हैं, कि भविष्य में अभी तो इन्होंने राजा राम सिंह ने हमें गलती स्वीकार किया है और उनको बताया कि कल हम उनका पूरा मान सम्मान के साथ कल उसकी जमानत होगी हम उसको मान सम्मान के साथ लेके आएंगे, लेकिन हमारे आगुओं से एक ही दरखास्त है कि भविष्य में इस तरह की घटना कि ना हो, जिससे हमारे आने हमारा भी और हमारे दोस्तों का भी साथियों का भी हौसला डाउन हो कि हम आंदोलन से जुड़े और उसके बाद भी हमें इस तरह का अपमान सहना पड़ता है। जी ससा जी नाम है, ससा जी घटनावान होंगे ने धार्मिक घटनावान ला लो जा की लगता है कोई क्रिमिनल साजिश अपने आप हो जाती है? देखो आपको पता है कि जो तो असं 26 नवंबर 2020 को इतनी पार्टी बैठी तो 2 दिसंबर तो सामने सरकार दी जिहड़ियां साजिशां सी मैं तुहाडे सामने
और जेड़ा भी कोई आदमी इस तरह फड़िया गया तो मैं वो पुलिस नूं फड़ाया, किसी दे थप्पड़ नहीं मारे, क्योंकि असी उन्हां दी वेरीफिकेशन करन वास्ते और उन्हां तों पुछदे नहीं पहला, जदों पुछण ते सानूं पता लग वाकई है भी दोषी, तुहानूं पता एफ आई आर भी उन्होंने खिलाफ़ कराईआं ने, लेकिन ये सानूं अधिकार नहीं हैगा कि असी किसी नूं थप्पड़ मारीए जां चपेट मारीए, ये सानूं अधिकार नहीं, असी कानूनी कार्रवाई साडा करना पैंदा, जे सानूं किसी ते शक है तो यार उहदी वेरीफिकेशन करो, और तुहाडे सामने मैं करदा भी नहीं, किसी दे कोई कोहां च आई किसी ने कोई लंबा दिता, और सब तो वड्डी गल मेरी आत्मा नूं बहुत वड्डी ठेस लगी, क्यों कि ये जड़ा अंदोलन है ये जिस शिखर ते अज पीक ते पहुंचा होया, ये अंदोलन ठीक है कि पंजाब तो चलिया पर पंजाब तो चलन तो बाद इस मल्या कि नहीं हरियाणे, ये हरियाणा चला रहा अज अंदोलन हरियाणे का अंदोलन है, उस तो अगे राजस्थान यूपी पूरे देश का अंदोलन है, असी पंजाब वाले जिस तरह एक लिया के अगे रख दिया भाई आ कुछ है, और जेकर जेड़े अज इस पिंड तो पंचायत जी आई आ 100 तो वध इतने अज पंचायती तौर पर इतने आए हैं, सरपंच भी जगरूप जी पिंड आए हैं, और जी इन्होंने गल की जो दस्या जिस तरह जगदीप औलख जोड़े कि साढ़े इतों के अपने चंडूनी साहब ग्रुप के जोड़े ने अहदेदार ने बहुत लंबे समय तो तुम उन्होंने वेखते हो काम कर रहे रात भी उन्होंने वीडियो पाई, और रात भी जो मैं जगदीप का फोन आया कि ऐसा इस तरह बापू जी आ गल जी है भी उत्थे जी हुई है भी मुंडा जोड़ा फड़िया गया, उस तरह मैं उस टाइम पर थाने फोन किया तुम पता कर सकते हो, एस एच ओ मैं गल कही कि एस एच ओ साहब ऐसा इस तरह जो आदमी लड़का जोड़ा फड़िया गया वो पता लग गया कि वो ठीक परिवार का मतलब कि लड़का इस तरह नहीं वह कोई कसूर नहीं है तो उत्ते कोई वेरीफिकेशन करा गया परिवार को सद के तो उन्होंने छड़ दिता जाए, ये गल मैं एस एच ओ कही है और मैं मीडिया से कह रहा भी उन्होंने छड़ दिता जाए वेरीफिकेशन करके उन्होंने छड़ दिता जाए परिवार को बुला, लेकिन इस तरह घटनावां जिहड़ियां ने मैं एक गल तुहाडे चैनल राहीं इस अंदोलन के समुचे तौर पर अंदोलनकारी आगुआ बी टीम है जो उस तो बाद सी टीम है उस तो अगे जोड़े भी किसान ने उन्होंने जोड़े हमदर्द ने उन्होंने ये गल कहनी चाहना है कि सरकार इस अंदोलन तार पीड़ो करने हर तरह के षडयंत्र रच रही है, तो भाई कोई भी यहोजी घटना आए तो कानून अपने हाथ च न लो और साढ़े आगुआ तक गल बचाओ, असी आपे अगे गल करके करिए कोई भी किसी के हाथ ना पुटे तो इस तरह किसी को कोई सर्टिफिकेट भी आर एस का हर एक जरा ये ना दिता जाए, पहला जी पड़ताल करो भी है की है परिवार तक पुछो तय तक जाओ इस तरह नहीं होना जो तलख आपस में तलख भाजी कदों खत्म हो जाए की लगता है कि एकजुट होने की जरूरत हाले भी हाँ जी तलख एक दूसरे का जरा वध्या हो लगता कि एकजुट सारे होकर चलने की लड़ है इस अंदोलन के देखो मैं तुहानूं एक बेनती करा ये जिहड़ी तलख है जिहड़ा एडा वड्डा अंदोलन है ना सब तो वड्डी गल तो यह आ कि सरकार वल्लों इन्ना लंबा अंदोलन चलाउण दा कारण ही है, मैं अज तक स्टेज पर भी बहुत बार कह चुका कि उन्होंने यह कि जिन्ना लंबा चलेगा ये आपस में भिड़नगे तो होगा, लेकिन अज साडा भाईचारा पूरा एक कायम है ऐसी कोई गल नहीं, ये इस तरह दिया एडे वड्डे अंदोलन च इन्ने लंबे अंदोलन च इन्ने शांतमय अंदोलन के जड़ा असी चला रहे हैं माड़िया मोटिया गल्लां बहुत वड्डा परिवार है इस टाइम से पूरे देश का परिवार हो चुका किसान आगू की कहते हैं आखिरी सवाल किसान आगू की कहते हैं कि फौजा चले जो नहिंग फौजा ने की कहोगे देखो इतने किसी के जान की जान की यह वक्रा एक विषय यार ये गल जी है ना करन की गल नहीं हैगी भी इतों कोई चलिया जाए जा इतने इस अंदोलन के नाल लोग जोड़े आए ने यह मैं किमें कह दिया मैं कहने का कोई हक नहीं मैं कल कह दूंगा जी लंगर वाले चले जा फलाना चले जाए ये नहीं ये सारे ने आ वेखना सारे मिलजुल के ये अंदोलन समर्पित होना चाहिए ना कि असी निजी हउमे के पिछे ला के अपने आप को वड्डापन दसन वास्ते अपने आप को अकलवंद दसन वास्ते अपने आप को सारे तो सियाणा तो ये लोगों के हमदर्द दसन की गल ना करिए असी अंदोलन के नाल अंदोलन तो वड्डा कोई नहीं ये अंदोलन जितना धन्यवाद गलबात दौरान एक होर साडे नाल वकील ने जो की कहोगे सब घटना देखी है तुम किस की देखते हो इस घटना क्या पूरे 11 महीने की घटना बता रहे जो कल तीन दिन की घटना में तो ये अगर ये नहीं होता ना फिर तो मेरे को भी लगता बिरन क्या हो गया था, वैसे मेरे पास के गांव का है जाम लगा हुआ था माजदा ट्रक को निकलवाने के लिए बलवान सिंह ने उसको नवीन को कहा कि माजदा ट्रक थोड़ा आगे करते उतने में करते हुए एक रेडी वाला बिहारी मनोज कुमार आया उसके रेडी में मुर्गे थे वो बीड़ी पी रहा था धुम्मा उसकी तरफ मुँह पर चला गया धुम्मा जाते ही उसने कहा धुम्मा बंद कर इतने में कहते उसने गाली दे दी उसने
गाड़ी देते उसने जो उसके पास लठ था उसने उसकी टांग पर मार दिया। दो शाम के टाइम हमारे आदमी गए, दोनों टांगें ठीक थी, वो चल रहा था, फिर रहा था, डॉक्टर उसको छुट्टी देने वाला था, पर राजनीति की गंदी हवाएं, जहरीली हवाएं और ये संसार किसान आंदोलन, इसके तहत ज़बरदस्ती FIR दर्ज करवा दी, जबकि समझौता होना था। उसके बाद आज भी एक दिन के रिमांड पर चला गया, यानी कि आप 11 महीने के अंदर अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, इतने अटैक हो रहे हैं, ये संसार किसान आंदोलन है, संसार के पूरे देश किसान आंदोलन। हाँ जी, रिमांड लेने की जरूरत थी, कुछ नहीं, क्या कह सको, अगर कहूँगा तो कहेंगे कि देखो वकील होते हुए ये न्याय के, पर ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, तो हम अपनी नस्ल को फसल को बचाने के लिए 11 महीने से घूम रहे हैं। यही वही जगह है ना जहाँ ट्रैक्टरों को चाकू मारे थे, ये वही जगह है जहाँ सुदर्शन टीवी वाला दो तीन लड़कों को उसके आदमी ट्रोड़े मार के गए थे, ये वही जगह है जहाँ खालिस्तान नामक पोस्टर यहाँ पर डाले गए थे, ये वही जगह, यहाँ क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं हो रहा, कोर्ट में भी बोला जी न्यूज वाले आए थे। हाँ जी न्यूज, ये अजीब किस्म की बात है कि जी दो पत्रकार, उनको कैसे पता लगे, आप जैसे पत्रकार मीडिया वाले परली तरफ थे और जैसे कार से नवीन गया वहाँ एक न्यूज वाला जिसकी ID जी न्यूज की थी वो उसको बयान ले रहा था और मैं उसके पीछे लगा, नहीं बाहर मतलब गेट के बाहर उसकी पहले सेटिंग थी वहाँ पर जी न्यूज की सेटिंग थी, और अभी देख रहे 9-10 बजे पता नहीं क्या जहर वो घोलेगा नवीन का, क्या हमारे देश की पब्लिक उसको देखेगी, तो छोटा सा लाइव मैंने भी उसका बना करके वो भाग गया था, मैंने अपने एडवोकेट JP शेखपुरा के पेज पे डाला है। आखिर में ये कहूँगा, किसान शब्द बचाना है, किसान नस्ल बचानी है, फसल बचानी है, आने वाली पीढ़ी बचानी है, तो ये जीतना जरूरी है, नहीं तो सब खत्म है भाई। बिल्कुल बिल्कुल जी, घटना हुई है, घटना की गल लैके पिंड वाले आए सन, तो बाबा जी ने मिले आते कही आ कि जो घटना हुई है निंदन है, तो बाबा जी ने कहा वाकई वो घटना निंदन योग है, तो इस करके जो भी उस लड़के की जमानत होगी जो थाने कल फिर अदालत पेश किया जाएगा तो उसनों जरा इज्जत मान के नाल हार पा के फुलों के इज्जत मान के नाल उतों रिहा कर उतों छुड़वा के लिया जाएगा, तो उही इज्जत मान दोबारा तो उन्होंने दी जाएगी नवीन बंद नवीन संधु को, जो कि कल घटना सारे ने देखा, तो पिंड वाले ने कहा कि अजिहा कुछ नहीं होया, जो मुर्गा चोरी या मुर्गा मंगन की घटना सी गल सी बिल्कुल गलत सी, RSS बंदे के आरोप लगे से वो भी बिल्कुल गलत सी, इस करके पूरा पिंड अज इकट्ठा होकर इस सिंगू बॉडर से आया, सिंगू बॉडर से आके इतने बाबा जी उन्होंने मिले, तो बाबा जी उन्होंने विश्वास दवाया कि बिल्कुल अजिहा अगे नहीं होएगा, जल्दबाजी नहीं होएगी, अजिही घटना नहीं होगी, तो अगे किसी अजिहा ना हो उस दे लिए भी कोई उपराला जरूर किया जाएगा। सिंगू बॉडर तो कैमरामैन विक्की दे नाल सुखा खेड़ीवाला।